अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो ब्राउनिश है, चाहे रेडिश है, चाहे ज़्यादा है, चाहे कम है, तो आपको अपना एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। अगर 7 मंथ्स में जब आपने अल्ट्रासाउंड किया, तो बहुत सारे बच्चे ब्रीच पोजीशन में होते हैं, उस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे ने अपनी पोजीशन चेंज करनी ही है और 9th मंथ में अपनी फाइनल पोजीशन लेंगे। बेबीज़ दिन में 20 घंटे सोते हैं और सिर्फ 3 to 4 hours एक्टिव होते हैं। उस 3-4 hours में वो बहुत घूमते हैं और लगभग 40-50-60 मूवमेंट कर लेते हैं, बट एज डॉक्टर्स हम कहते हैं आप दिन में 10-12 मूवमेंट ज़रूर काउंट करिए, दिन में 2 से 3 बारी, और अगर हो रही है तो हैप्पी, मतलब बेबी एक्टिव है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। और आज सेहतनामा में बात होगी गर्भावस्था के 7वें महीने के बारे में, पूरी विस्तार से जानकारी देंगी डॉक्टर सीमा शर्मा। सो अब 7वें महीने में एंटर कर रही है गर्भवती महिला, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जब गर्भवती महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और 7वें महीने में डूज एंड डोंट्स, बच्चे का कितना डेवलपअप, जो हमारे पहले के सवाल वो भी ज़रूर बताइए। ओके, सो हमारे समाज में बहुत सारी अंधविश्वास कह लो या भ्रांतियाँ कह लो हैं कि 7 माह और 8 माह उसके साथ बहुत सारे डूज एंड डोंट्स अटैच्ड हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि मैम हमारे फैमिली वाले कहते हैं 7वें महीने में नहीं आना है ना, इवन डॉक्टर के चेकअप के लिए नहीं आना है। जो पेशेंट आउट स्टेशन रहते हैं वो 8वें महीने में ट्रैवलिंग ना करने का तो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन है। तो मैं ये कहूँगी कि देखो, इसके बिहाइंड साइंस शायद ये रही होगी कि पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ना तो नियोनेटल केयर थी ना नर्सरी फैसिलिटीज़ थे, कि जो इतने प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे। पर आज के टाइम पे अगर प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं तो उनका हम टेक केयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 26 वीक्स के बाद हम बेबीज़ को रेस्क्यू कर सकते हैं और उनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। तो अब ये वाला जो सुपरस्टिशन है इसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। बट यस, क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, पहले से 7वें महीने तक हम पहुंचे, हाँ, कि अगर प्रेग्नेंट मदर नोटिस करे तो उसको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इवन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर किसी भी स्टेज पे पेन है जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के जैसे है, जैसे पीरियड में पेन होती है और वैसी पेन हो रही है, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट के नीचे के हिस्से में दर्द हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में कभी कभी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है जिसको हम एक्टोपिक कहते हैं, तो वो 15-20 दिन ऊपर ही होते हैं अगर अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और आपको बहुत शार्प पेन है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना चाहिए टू रूल आउट कि कहीं ये एक्टोपिक तो नहीं है। देन अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो ब्राउनिश है, चाहे रेडिश है, चाहे ज़्यादा है, चाहे कम है, तो आपको अपना एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। फर्स्ट 2 मंथ्स में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी कभी रेयरली मदर्स को होती है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हार्ट बीट ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, तो हम आपको रीअश्योर करके घर भेज देते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है अगर प्रेगनेंसी के किसी भी टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है। अगर 6th मंथ में है, 7th मंथ में है, कभी कभी हल्की ब्लीडिंग इस चीज़ का साइन होती है 6th-7th मंथ में कि आप लेबर में जा रहे हो, इट कुड बी अ साइन ऑफ प्री टर्म लेबर, कि टाइम से पहले ही आपका बेबी आने वाला है, उसको हम शो कहते हैं जब हल्की सी ब्लीडिंग होती है, तो आपको इग्नोर नहीं करना, ये नहीं सोचना है। हाँ, कभी कभी मदर्स को इंटरकोर्स करने के बाद स्पॉट लग गया या ब्लीडिंग हो गई, तो इतना पैनिक नहीं करिए, बट ऑफकोर्स आप एक बार डॉक्टरी राय ज़रूर लीजिए। अगर प्रेग्नेंट मदर को चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है और उसका बीपी हाई है, 100% आपको हॉस्पिटल जाके दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको वाटर बैग ब्रेक हो गया है, मतलब खूब सारा वाटर आ रहा है, एकदम गश ऑफ वाटर आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज दैट इज़ अ साइन कि यू आर गोइंग टू गो इन टू लेबर एंड प्रॉबेबली इट इज़ द टाइम कि हमें बच्चे को डिलीवर करना है। तो और जो थैली है शायद वो फट जाती है, हाँ, सो बच्चा होता है, यस, सो बेबी एक वाटर बैग में रहता है, हाँ, डिस्चार्ज हो जाता है। और एक बार अगर वाटर बैग ब्रेक हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा देर के लिए कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर रुक रुक के किसी को पेन्स आ रही हैं तो उस टाइम पे भी फिर हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब प्री टर्म लेबर की निशानियां हो सकती है, पहले प्रसव हो सकता है, हाँ जी, हो सकता है। तो पेन, ब्लीडिंग,
अगर फीवर है प्रेगनेंसी में, हाई ग्रेड फीवर 100-101 से ऊपर फीवर है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी बेबी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है. सो दीज आर ऑल द साइंस. अगर किसी को कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज और स्मेली है, फिर भी आपको अपना ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए. सो ये इंपॉर्टेंट साइंस है, वार्निंग साइंस. कुछ खास खान पान में ख्याल या टेस्ट आप कुछ करते हो या बच्चा तो अब बन ही चुका है? हाँ नहीं, हम फिर देखते हैं अगर तो इन्फेक्शन है उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं. बहुत बार एंटीबायोटिक से आपकी पेन्स रुक जाती हैं, आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है ना. बट अगर लगता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं, बट डॉक्टर को दिखाना जरूरी है. सातवें महीने में हमारा बेबी लगभग 1.25 किलो के करीब उसका वजन हो जाता है. 7 मंथ्स कंप्लीट होते तक 31 वीक्स की जेस्टेशन है और 31 वीक्स पे 1.6-1.7 kg के करीब भी वजन रहता है बेबीज का. वो इस टाइम पे मदर का डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मदर 2 kg वेट गेन करेगी तो हमारे बेबीज 20 ग्राम से लेके 30 ग्राम पर डे वेट गेन कर सकते हैं. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ. हम जब नियरली 26 वीक्स मतलब 6 महीने पे बच्चे का वज़न होता है 1.25 किलो, 1.5 किलो, और उसके बाद जब बेबी 9 मंथ्स पे पैदा होता है तो उसका वेट होता है 3 किलो, 3.5 किलो. तो लास्ट 3 मंथ्स में बेबीज नियरली अपना वेट डबल कर पाते हैं. तो जो आखिरी ट्राइमेस्टर की डाइट है, न्यूट्रिशन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मदर की डाइट पे बेबी का वेट गेन डिपेंडेंट है. जैसे मैं पहले कह रही थी, फर्स्ट 3 मंथ्स में फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज बेबी टाइनी है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है. 5 महीने तक भी हमारा बच्चा 500-600 ग्राम का होता है, पर उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में बेबीज अपना 3-4 times वेट गेन करते हैं. 7 मंथ्स का बेबी बहुत एक्टिव होता है, बेबी पूरा समरसॉल्ट कर रहा होता है, अंदर उल्टबाजी लगा रहा होता है, कभी वो ब्रीच पोजीशन में होता है, कभी वो हेड डाउन पोजीशन में होता है. सो नॉर्मल बेबीज हेड डाउन पोजीशन में होते हैं ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा. 3-4% बेबीज हैं ब्रीच होते हैं. ब्रीच का मतलब हेड ऊपर है और बॉडी नीचे है, सो उसको उल्टा बच्चा कहा जाता है. तो पोजीशन ले लेता है बच्चा लेकिन वो घूमता रहता है. 9th month में फाइनल पोजीशन लेता है. यही बताने लगी थी कि अगर 7 months में जब आपने अल्ट्रासाउंड किया तो बहुत सारे बच्चे ब्रीच पोजीशन में होते हैं, उस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे ने अपनी पोजीशन चेंज करनी ही है. बहुत बार 7th month में स्कैन के बाद पेशेंट्स पैनिक होकर हमारे पास आते हैं, मैम ये बेबी ब्रीच है अब क्या होगा? तो उसमें कोई टेंशन नहीं करनी है, बेबीज घूमते रहेंगे और 9th month में अपनी फाइनल पोजीशन लेंगे. वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट टू टेल इज बेबी की मूवमेंट्स. मदर्स को 7th to 8th month के बाद बेबी की मूवमेंट्स के बारे में जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है. बेबीज दिन में 20 घंटे सोते हैं और सिर्फ 3-4 hours एक्टिव होते हैं. उस 3-4 hours में वो बहुत घूमते हैं और लगभग 40-50-60 मूवमेंट कर लेते हैं. बट एज डॉक्टर्स हम कहते हैं आप दिन में 10-12 मूवमेंट ज़रूर काउंट करिए, दिन में 2-3 बारी, और अगर हो रही हैं तो हैप्पी, मतलब बेबी एक्टिव है. अब हर बच्चे के हिलने का साइकिल अलग अलग है. कुछ बच्चे खाना खाने से पहले ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, कुछ खाना खाने के बाद ज़्यादा मूवमेंट करते हैं. अक्सर बच्चे जब मदर सो जाती हैं, लेटती हैं, उस टाइम बहुत मूवमेंट करते हैं. तो 8वें-9वें महीने में मदर्स इस चीज़ से परेशान, मैंने कहा था ना कि फिर से परेशान होने लगते हैं. सो रीजंस ये हैं, उनको बेबी मूवमेंट रात को सोने नहीं देती, उनका ग्रोइंग यूट्रस उनके ब्लैडर पे प्रेस करता है, यूरिन फ्रीक्वेंसी वापस आ जाती है, यहाँ तक कि कुछ मदर्स को वॉमिटिंग भी 8th-9th month में फिर से शुरू हो जाती है. तो 8th-9th month में ब्रेथलेसनेस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टमी बड़ा हो रहा है, वो सांस ठीक से नहीं ले पाते, उनका स्टेमिना कम हो जाता है, दे ऑलवेज फील लो ऑन एनर्जी. सो वन थिंग वी वॉन्ट टू टेल इज़ कि प्रेगनेंसी में मदर्स को ऐसा लगता है हमें थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, हम उतना काम नहीं कर पाते हैं, बट दैट इज़ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल बिकॉज नेचर वॉन्ट्स कि प्रेगनेंट मम्मा को ज़्यादा रेस्ट मिले क्योंकि उसके अंदर बेबी है जो ग्रो कर रहा है. तो ऑटोमेटिकली आपको दोपहर को 2 घंटे ज़रूर रेस्ट करना चाहिए अगर मौका मिले. वर्किंग मदर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो घर पे रहते हैं उनको 2 hours आराम से दोपहर को नैप लेना चाहिए अपना खाना खाने के बाद, ताकि आपके बॉडी को रेस्ट मिले, आपका बेबी अच्छे से ग्रो करे. और हाँ, एक है कि सोने का क्या पोस्चर होना चाहिए. 7th-8th month के बाद हम मदर्स को इनकरेज करते हैं उनको लेफ्ट करवट पे सोना है, लेफ्ट साइड लेके सोना है, क्योंकि उसमें आपके बेबी को ब्लड फ्लो बेटर जाती है. जब आपका वूम्ब ग्रो करता है तो वो आपके बॉडी के जो मेन आर्टरी वेन है उन पे प्रेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से बेबी को ब्लड फ्लो कम जाएगा अगर मदर सीधी सोएगी. तो मदर्स को लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए, मूवमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है और अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलर करना है.